हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं आपके साथ लौकी का रायता और बूंदी के रायते की दोनों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बूंदी का रायता। के लिए मैंने लिया है 4 कप दही, उसमें 1 कप बूंदी डाला है। अगर आपने तुरंत ही सर्व करना है तो बूंदी भिगो के फिर डालें, अगर आपने 1 घंटे के लिए रखना है दही को तो फिर तब बूंदी भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरे पाउडर का डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर का डाला है और 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। इसमें मैंने 1/2 कप पानी का लिया है, जिसको हम लोग धीरे धीरे इसमें डालेंगे मिक्स करते हुए। ये लीजिए दोस्तों, हमारा बूंदी का रायता बनके तैयार हो चुका है। अभी हम इसको धनिया पत्ते के साथ गार्निश कर देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता। लौकी के रायते के लिए मैंने 1 लौकी को कद्दूकस करके उसको पानी में डाल के रख लिया है। अगर हम पानी में नहीं डालेंगे तो वो काली हो जाएगी। उसके लिए मैंने लिया है रोस्टेड जीरा पाउडर, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। अभी हम हमारी लौकी को उबलने के लिए रखेंगे 1 गिलास पानी डाल के। ये लीजिए दोस्तों, हमारी लौकी उबलने लग चुकी है। अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे। हमारी लौकी उबल चुकी है, अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इसका एक्सेस पानी हम सारा निकाल देंगे। जितना हो सके उतना पानी हमने निकालना है, बस दबाना नहीं है इसको। अच्छे से पानी निकाल के फिर हम लोग 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे इसको। ये लीजिए, हमारी उबली हुई लौकी भी ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 3 कप दही में उबली हुई लौकी डाल दी है। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच के करीब नमक डाला है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाला है और 1/2 ही ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे। पर पानी हमें धीरे धीरे करके ही डालना है। पानी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना पतला या जितना गाढ़ा आपको रायता चाहिए उसके हिसाब से आप पानी की मात्रा यूज़ कर सकते हो। ये लीजिए दोस्तों, हमारा लौकी का रायता भी बनके तैयार हो चुका है। अभी आप इसको चावल के साथ या फिर रोटी के साथ किसी मर्जी चीज़ के साथ सर्व करें। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत